तो भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का ज़माना है और आज हमारे साथ है एक वेरी डिफरेंट स्कूटर। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये मेन स्ट्रीम स्कूटर है लेकिन मेन स्ट्रीम नहीं है। इट हैज़ अ डिफरेंट पर्पस टू इट, इट हैज़ अ डिफरेंट वाइब टू इट। पहली बात तो आपको एक चाबी मिल जाता है, दिस इज़ द की फॉब। आपको वायरलेस लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, चाबी भी मिल जाता है। ये है जितेंद्र ईवी, जितेंद्र JMT जो कि कंपनी है, नासिक बेस्ड इंडियन कंपनी है। ये स्कूटर्स बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये है हमारे साथ, ये इनका टॉप एंड मॉडल है। दिस इज़ एन ऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, हम बताएंगे सब कुछ ऑन द JMT जितेंद्र ईवी का द 1000 3K क्यों है ये, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। आइए मिलते हैं जितेंद्र JMT 1000 HS 3K से, जिस स्कूटर से मिलते हैं। पहली बात तो अगर आप इसकी स्टाइलिंग देखें तो जो एक ट्रेडिशनल स्कूटर का जो स्टाइलिंग है वो आपको मिलता है, लेकिन काफ़ी सारे शार्प लाइंस के साथ में आपको मिल जाता है। JMT का बैजिंग है यहाँ पे, जितेंद्र जो कि ओनर का नाम है, इट्स नासिक बेस्ड कंपनी, उसका आपको यहाँ बैज मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर्स आर ओवर हियर। आपको यू गेट अ हेलोजन हेडलैम्प which is like this, ये पार्किंग लैम्प है और ये इसका हेड लैम्प है। आपको LED लैम्प्स नहीं मिलते। देन बॉडी अगर आप देखें तो आपको ABS जो प्लास्टिक मटेरियल है वो आपको मिल जाता है। मडगार्ड भी उसी का है। अगर टायर की बात करें तो आपको 10 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, 90-90 स्पेक के ट्यूबलेस टायर्स हैं। ये एलॉय व्हील्स दिया हुआ है, आपको डिस्क ब्रेक भी दिया हुआ है फॉर द फ्रंट। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके साथ में अगर आप देखें तो जो टायर्स हैं, दीज आर ब्लेज टायर्स विच आर फ्रॉम JK के ब्लेज टायर आपको मिल जाते हैं। जो कलर है ये वाइट कलर, इट लुक्स नाइस इफ़ इट इज़ केप्ट क्लीन। साथ में ब्लैक जो इंसर्ट है ये उठ के दिखता है। एंड इफ़ यू कम ऑन दिस साइड, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो इसका एक डिस्प्ले है वो आपको मिल जाता है। अगर आप देखें इस डिस्प्ले को तो आपको एक नेगेटिव डिस्प्ले मिल जाता है विद द स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर। आपका ये बैटरी का जो चार्ज है वो, इसमें आपको रेंज नहीं दिखाई देता, दैट इज़ वन ड्रॉबैक, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। और धूप काफ़ी, सब जब धूप होता है इन डे लाइट तो दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर, तो दैट इज़ वन कॉन दैट आई कैन सी। ये आपका स्विच गियर है, यू गेट अ स्विच ओवर ईयर। ये सेफ्टी के लिए है, आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है जो मोटर के लिए वो ऑफ करने के लिए बैटरी को, तो दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। इसके साथ में ये आपका हेडलैम्प का जो हाई बीम है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग का पोर्ट भी दिया हुआ है। एंड आपको रिवर्स भी मिल जाता है, रिवर्स मोड लाइक अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ये जो है फॉरवर्ड रिवर्स, तो ये आपको यहाँ मिल जाए। एंड आपको राइडिंग के लिए 3 स्पीड के ऑप्शन मिलते हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये टॉगल करने के लिए है वो, तो दैट्स हाउ इट इज़। ये है इसका ऑन ऑफ इग्निशन। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द स्कूटर वायरलेसली विदाउट द की इन द इग्निशन। आपको सिर्फ इसको अनलॉक करना है कुछ ऐसे, एंड देन यू नीड टू प्रेस द इलेक्ट्रिक वाला जो बटन है पावर का वो दबाना है। एंड इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स एंड द स्कूटर कम्स टू लाइफ, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। इसके साथ में जो गेट अ बॉटल होल्डर ओवर हियर, तो दैट्स हाउ इट इज़। और यहाँ पे जो है फुटबोर्ड में आपको काफ़ी सारा जगह मिलता है। यू कैन कीप अ गैस सिलेंडर ओवर हियर, यू नो प्लेस्ड ओवर हियर, यू गेट लोड्स ऑफ स्पेस ओवर हियर। यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, तो दिस इज़ द चार्जिंग पोर्ट। प्रोप्राइटरी पोर्ट है इनका, JMT वालों का ये अलग पोर्ट है, तो दैट्स हाउ इट इज़। RTO पास्ट है ये, इसका जो लोडिंग है। अगर आपने टू व्हीलर पे कोई गैस सिलेंडर कभी लाया होगा तो पुलिस आपको तंग करता है, RTO तंग करता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, लेकिन इस स्कूटर पे आपको लोडिंग करने की परमिशन है। दैट इज़ व्हाट दिस स्कूटर इज़ ऑल अबाउट, द JMT 1000 3K फ्रॉम जितेंद्र। 4.5 लीटर्स का इसका बूट है। और अगर आप रेंज की बात करें तो आपको 136 किलोमीटर्स का ये रेंज क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक 70 मैक्सिमम 80-85 किलोमीटर्स का आपको रेंज मिल जाता है ऑन सिंगल चार्ज फॉर द डबल बैटरी जो इसमें आपको मिल जाता है, जो कि खास बात है इसकी। सस्पेंशन में आपको फ्रंट दे रहे हैं टेलीस्कोपिक भैया, और पीछे आपको अगेन यू गेट ड्यूल गैस सस्पेंशन ईयर एंड ईयर। So it is 60 वोल्ट का जो बैटरी है, ये चार्ज करने के लिए 4 से 5 घंटे लगता है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, which which is a lithium ion battery. And अगर आप देखें तो जो इसका main purpose है, that is this, the load carrying over here, which is like this. थोड़ा tight है ये, this needs to be greased. ये यहाँ पे जो load capacity है वो, और जो यहाँ पे जो जगह बनी हुई है वो, यू कैन कीप गैस सिलेंडर, यू कैन कीप राइस, चावल, दाल, वॉट एवर गोली भर के रखना है वो रखो, और यू कैन टाइट ओवर हियर. अब बैटरी की बात करें, बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो जो ये यहाँ पे 3K लिखा हुआ है, दैट इज़ बिकॉज इसकी जो बैटरी है वो 3.12 किलोवाट पर आवर की बैटरी है. इसके साथ में आपको एक 1000 वाट का एक स्ट्रॉन्ग मोटर दे रहे हैं ये, इसीलिए ये 1000 है यहाँ पे. दिस इज़ व्हाट इट इज़. अगर आप साइड स्टैंड की बात करें तो दिस इज़ समथिंग दैट आई डिडंट लाइक, क्योंकि इसका जो एंगल है वो काफ़ी स्ट्रेट है और स्कूटर टेंड्स टू फॉल एट टाइम्स, बट देन दिस कैन बी रेक्टिफाइड. और इसके साथ में आपको एक सेफ्टी स्विच दे रहे हैं यहाँ पे. दिस इज़ अ सेफ्टी स्विच ओवर ईयर. ये जो आपको वायर दिख रहा है, अगर आपका साइड स्टैंड नीचे है, एक्टिव है, तो स्कूटर आगे नहीं जाएगा, स्कूटर चलेगा नहीं टिल यू गेट द स्टैंड अप. तभी ये स्विच ऑफ हो जाता है और आपका स्कूटर चलता है. ये आपका लेडीज़ का जो फुटरेस्ट है, साइड बैठेंगे साइड पे वो है. और यहाँ पे आपको एक बैटरी का एक एक्सपोज्ड वायर दिखेगा यहाँ पे. दिस इज़ ओवर हियर केबल, और ये इसका बैटरी प्लेस किया हुआ है यहाँ पे. ये पीछे का जो टायर है, इसमें आपका एक हब माउंटेड मोटर है वो आपको यहाँ नज़र आएगा. इसके लिए आपको पीछे अलॉय व्हील्स नहीं दे रही है. अच्छा विटेस. और अगर आप टेल लैम्प की बात करें तो दिस इज़ द टेल लैम्प ओवर हियर, टेल लैम्प एंड द टर्न इंडिकेटर दैट वर्क लाइक दिस. How it is. यहाँ पे भी आपको सामान बांधने के लिए जगह दिया हुआ है. When the seat is up, you can tie the सामान either over here और over here. So that is how it is. आपको split seats मिल रहे हैं, काफ़ी सारा पैडिंग है इसमें. एंड split seats इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो इसका की USP है वो लोडिंग, और लोडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे नॉब दबाना है एंड टेक द सीट अप ओवर हियर. ये सीट लॉक हो गया, सो दिस बिकम्स योर बैकरेस्ट व्हेन यू आर सिटिंग ओवर हियर. ये आपका बैकरेस्ट बन गया ओवर हियर, एंड प्लस you can load things over here. Round about 150 किलोज़ का जो इसका एक लोडिंग का कैपेसिटी है वो है. तो इसने आपने यहाँ पे कुछ बक्से का लोड कर दिए. आपका दुकान है या वर्कशॉप है या आपका गोडाउन है, यू नीड टू ट्रांसपोर्ट समथिंग, या आप कुरियर एजेंसी हो या यू आर जस्ट अ स्विगी और जोमेटो, यू कैन जस्ट लोड थिंग्स ओवर हियर एंड यू कैन टाइट ऑल्सो ओवर हियर. ये बांधने के लिए है एंड ऑल्सो बिकम्स योर हैंड ग्रिप ओवर हियर. तो ये जो इसका एक यूनिक फीचर है. एंड दिस इज़ क्वाइट टफ, दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और ये काफ़ी सारा लोड प्रैक्टिकली इट कैन टेक. और इसको आपने वापस लॉक कर दिया व्हेन यू आर नॉट लोडिंग, सो दिस बिकम्स योर सीट, द फ्रंट सीट एंड द रेयर सीट. ये बन गया. आपको यहाँ पे लेडीज़ का फुट स्टेप मिलता है. ये आपका फुटबोर्ड दिया हुआ है फॉर द रेयर पैसेंजर. लेकिन एक छोटा ड्रॉबैक है, बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग जो आपका अंडर सीट वाला जो एक स्पेस है वो काफ़ी कम है, सो यू गेट वेरी लेस स्पीड स्पेस अंडर द सीट ओवर हियर. इसके साथ में जो यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हैं, आपको दो बैटरी दी हुई है इसमें, तो 1 और 2. ये अभी 1 सेटिंग में है. इसको मैंने दैट इज़ 1 इज़ फॉर द फर्स्ट बैटरी, दिस इज़ द सेकेंड बैटरी. ये 2 पे डाल दिया और ये आपको 2 पे डालना है. सो दीज 2 गो ऑन 2 और दे कम ऑन 1. ये 1 और 2, दैट्स हाउ इट इज़. और इसके साथ में ये इसका मेन जो MCB है, टू स्विच ऑफ द स्कूटर फॉर योर सेफ्टी कम्प्लीटली. ये करने के बाद में द स्कूटर इज़ टोटली स्विच ऑफ, दिस इज़ ऑन. तो इसका जो इलेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पे छुपा हुआ है. लेकिन स्पेस के मामले में आपको अंडर सीट स्पेस कम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस दे रहे हैं. यू गेट दिस एक्स्ट्रा स्पेस ओवर हियर फॉर लोडिंग व्हेन यू आर राइडिंग सोलो. आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, विच इज़ अगेन यू नो अ लॉट. तो आपका जो स्कूटर है कहीं पे टकराएगा नहीं, इट वोंट स्क्रैप द स्पीड ब्रेकर्स इवन व्हेन इट इज़ लोडेड. 180 mm इज़ अ लॉट. नाउ इसको मिलने के बाद में, इसको करीब से देखने के बाद में, यहाँ पे आपको एक गार्ड भी दिया हुआ है, सारी गार्ड. लेट्स गो फॉर अ क्विक स्पिन ऑन द जितेंद्र JMT. अगर आप स्टार्ट की बात करें तो अगर आपने ओला चलाया है, एथर चलाया है, तो आपको एक स्मूथ पिकअप की आदत होगी इस गाड़ी में. डोंट फॉरगेट आपको 1000 वाट का ये मोटर दे रहे हैं, तो जो पावर है, जो इनिशियल पावर है वो काफ़ी सारा है. ये जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 175-180 mm का, वो हेल्प करता है स्पीड ब्रेकर के ऊपर, यू नो, इट डजंट स्क्रैप एनी स्पीड ब्रेकर, जो उसका की यूएसपी है। और आप गाड़ी फुल लोड करोगे 200 किलो के आसपास, 250 किलो 200 किलो ये लाद सकती है अगर आप लोडिंग करना चाहो। दैट इज़ वॉट दिस स्कूटर इज़ मेड अबाउट। वन मोर स्पीड ब्रेकर। हम एक डेली राइड कंडीशन में आपको बता रहे हैं ये गाड़ी कैसी है, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग टू यूज़ द स्कूटर। इनिशियल पिकअप अगर आप एक बार यूज टू हो जाओ, जो स्टार्ट ऑफ का एक पिकअप है, उसके बाद में जो एक राइड क्वालिटी है, जो फील है, वो काफ़ी स्मूथ है। ये हम अभी फर्स्ट राइड मोड में, आपको 3 राइड के मोड मिलते हैं, और जो फर्स्ट राइड मोड है ये आपको 37 km/h 37 का एक टॉप स्पीड देता है। इसके बाद में अगर आप सेकेंड मोड में जाओ, यू गेट मोर पावर एंड मोर टॉप स्पीड। एंड इसका अगर टॉप स्पीड की बात करें तो आपको राउंड अबाउट 65 किलोमीटर्स का, जो हमने टेस्ट किया है टॉप स्पीड 65 km/h, वो आपको मिल जाता है। आपको 3 राइड के मोड मिल जाते हैं, 1, 2 एंड 3, 3 स्टेप मिलते हैं। अगर आपने 1 पे चलाया तो आपको ज़्यादा रेंज मिलेगा, 2 पे थोड़ा कम मिलेगा लेकिन पावर मिलेगा, और 3 पे आपको सबसे ज़्यादा फुल पावर मिलेगा, टॉप स्पीड मिलेगा, लेकिन रेंज विल बिकम लेस। तो दैट्स हाउ इट इज़। सिटी में अगर आप 1 स्पीड पे चला रहे हो, 1 राइड मोड पे चला रहे हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप हाईवे रन की बात करें, जहाँ पे हम अभी है, तो यहाँ पे भी गाड़ी, द स्कूटर गोज वेरी नाइसली। जैसे आप स्टेप चेंज करोगे, यहाँ पे 1, 2 और 3 का जो इंडिकेटर है वो भी चेंज होगा। ब्रेकिंग के मामले में आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल रहा है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है। जो अपना काम, दे डू देयर जॉब नाइसली। एक हार्ड ब्रेकिंग या एकदम यू नो अर्जेंट ब्रेकिंग का जो बाइट है वो नहीं है। यू गेट अ नाइस कॉन्फिडेंट बूस्टिंग वाला ब्रेकिंग ऑन दिस। आपको 1.5 लाख की ये स्कूटर आती है, 1.5 लाख, अराउंड अबाउट 4,000-5,000 का आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच डिपेंड्स सीजन टू सीजन एंड इट डिपेंड्स डीलर टू डीलर, सिटी टू सिटी। लेकिन यहाँ पे थाने में अराउंड अबाउट 4,000 का डिस्काउंट इज़ वॉट आई वॉज ऑफर्ड बाई द डीलर हियर इन द सिटी। तो 1.46 लाख की ये स्कूटर आती है, एंड एट दैट प्राइस आई थिंक अगर आप इस स्कूटर को कमर्शियल यूज़ कर रहे हो तो जो आपको एक रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका जो 1.5 लाख जो लगा हुआ है या 1.40 लाख लगा हुआ है, वो आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। अगर आप फैमिली के लिए ये स्कूटर यूज़ कर रहे हो तो भी आई कैन एडवाइज़ यू और आई कैन रिकमेंड द स्कूटर। लेकिन जो आपको एक टच स्क्रीन मिल जाता है ओला में, एथर में, चेतक में, बजाज के चेतक में, आपके हीरो के विडा में, वो आपको यहाँ नहीं मिलता। ये एक प्रैक्टिकल सिंपल बेसिक डिजिटल स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन है। तो वो जो अगर जो एक टेक लेडन स्कूटर जो है वो ये नहीं है, लेकिन ये एक ब्रूट एक वर्क हॉर्स है, जो आपका बखूबी एक काम जो करना है, जो लोडिंग करना है, उसके लिए है ये। दैट इज़ वॉट दिस स्कूटर का एक की यूएसपी इज़ दैट। जो इस स्कूटर का सिटिंग का पोजीशन है, जो हाइट है, वो कंपेयर टू ओला एंड एथर काफ़ी कम है। इनफैक्ट ये कंफर्टेबल है। आई एम 5'6", 5'7", जो एक सिटिंग का जो हाइट है, दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ, ट्रैफिक में चला रहा हूँ, तो स्कूटर इज़ ईजीली मैन्यूरेबल ट्रैफिक कंडीशन में। सीटिंग का जो पैडिंग है वो भी कंफर्टिंग है, वो भी कंफर्ट है। और अगर आप देखें तो फुटरेस्ट में काफ़ी सारे जगह है, तो जो आप लोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका अगर फुट योर जस्ट कीपिंग योर फुट ओवर देयर, तो भी आपको काफ़ी सारा जगह मिल जाता है। सस्पेंशन जो इसका है, दैट इज़ माय फेवरेट। मोस्टली अगर आपने देखा है ओला, एथर, जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, उनका फ्रंट सस्पेंशन इज़ वेरी हार्ड। इसमें आपको एक प्रॉपर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देने के साथ में द सस्पेंशन इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड एक यू नो एक जो बम्प्स है, जो एडोलेशंस है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है। इट इज़ माय फेवरेट इफ़ यू आस्क मी। जो एक लोडिंग के साथ में, लोडिंग के बाद में जो एक की एस्पेक्ट है वो है इसका सस्पेंशन। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट राइड रिव्यू ऑफ द जितेंद्र JMT 1000 3K। इस गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ मैं कह सकता हूँ, काफ़ी कुछ मैंने कहा भी है इन दिस वीडियो। ये गाड़ी बनी है फॉर समवन हु वांट्स एन इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड ऑल्सो वांट्स एक लोडिंग का जो इसका एक फीचर है वो आपको फुटबोर्ड में लोडिंग की जगह मिल जाती है, आपको सीट के पीछे भी लोडिंग की जगह मिल जाती है। यू हैव एवरीथिंग गोइंग राइट फॉर दिस स्कूटर। आपको ड्यूअल बैटरी मिल जाता है। प्राइसिंग के मामले में ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पज़ तो आपको ये पैसा वापस भी करेगी, रिटर्न भी करेगी। सो दैट इज़ द कैच। राइड के मामले में काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, आपको ये स्कूटर अच्छी लगी और इफ़ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन और यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा। लेट अस नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिसको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है इन दिस सेगमेंट, इन दिस क्लास। डू Let us know your feedback and comments. Ritesh Madok signing off with the Jitendra JMP 1000 3K. Thanks for watching.